Today I will start your exercise 19. Your first question is 432 packets of noodles are to be packed in the boxes. कह रहा है कि 432 noodles के packet एक boxes में क्या किए जा रहे हैं, pack किए जा रहे हैं. तो each box hold और एक box में 72 packets क्या किए जा रहे हैं, fill किए जा रहे हैं. तो how many boxes आर नीडेड टू पैक ऑल द पैकेट. तो इस पूरे पैकेट को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी वो हमको फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, टोटल पैकेट्स कितने दिए हैं, 402 पैकेट्स दिए हैं नूडल्स के, और एक बॉक्स में कितने पैक हो रहे हैं, 72. तो क्या करेंगे, 72 से आप 432 को डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे इसको पैक करने के लिए. तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं 72 का टेबल नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसे बता कर सकते हैं. सिक्स बार में देखते हैं, सिक्स जो ट्वेल्व वन कैरी सिक्स जो फोर्टी टू कितनी बार में चला जा रहा है, सिक्स टाइम्स में चला जा रहा है. तो कितने बॉक्सेस चाहिए आपको, सिक्स बॉक्सेस चाहिए 432 नूडल्स पैक करने के लिए आपको. तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, सिक्स. छः बॉक्स होगा तो क्या कर लेंगे, इसको पैक कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी वीक्स डू 5047 डेज मेक. कह रहा है कि 5047 डेज में कितने वीक्स होते हैं वो निकाला है. जैसे हमको पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7. तो उसी तरह आपको निकालना है कि 5047 डेज में कितने वीक होंगे. तो आप क्या करेंगे, 7 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको वीक पता चलेगा कितने होते हैं. तो सबसे पहले आप राइट करेंगे 1 week = 7 days और नंबर ऑफ डेज दिए हैं, इसलिए पूछा कि इसने 5047 डेज में कितने वीक्स होते हैं. तो आप क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 7 7 जा 49. क्यों दो डिजिट लिए हैं, क्योंकि अगर वन डिजिट लेते हैं तो ये 7 से 5 क्या है, छोटा है, इसलिए हमको कितना डिजिट लेना पड़ेगा, दो डिजिट. हम माइनस करते हैं तो 0 में से 9 ही जाएगा, कैरी लेना 12 लेना पड़ेगा, 10 में से 9 गया 1 और 4 बचा, 4 में से 4 गया 0. बगल वाले को नोट करते हैं, 2 बार में चला जाएगा, 7 2 जा 14 0 0 7 नोट करेंगे, 7 1 जा 7 0. तो कितने वीक हुए टोटल, 721 वीक्स होंगे कितने डेज में, 5047 डेज में. तो इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए क्लॉथ मिल मेड 15,780 मीटर ऑफ क्लॉथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कह रहा है कि एक क्लॉथ मिल है जहाँ पे कपड़ा बनता है, तो अप्रैल के मंथ में टोटल इतने मीटर वो क्लॉथ बनाती है वो मिल. इफ़ द मिल मेड द सेम लेंथ ऑफ क्लॉथ एवरी डे. अगर वो प्रत्येक दिन, मान लेते हैं कि एक दिन में वो 10 मीटर बनाती है, तो रोज़ वो 10 ही मीटर कपड़ा वो बनाती है. तो फाइंड द डेली प्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑफ द मिल. तो रोज़ बताना है कि डेली वो कितना बनाता होगा कपड़ा. तो हम जैसे हम जानते हैं कि अप्रैल में टोटल कितने डेज होते हैं, 30 डेज. तो 30 डेज में से इसको डिवाइड कर देंगे तो आप पता चलेगा कि एक दिन में वो कितना कपड़ा बनाता है. तो लिखेंगे अप्रैल इसका तो 30 डेज और 15,780 मीटर में 30 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक दिन में कितने मीटर कपड़ा बनाता है. तो इसको डिवाइड करके आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना है, डिवाइड ही करना है. इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, 264 से इसको डिवाइड कर लेंगे और यहीं तक क्या करना है, आपको सॉल्व करना है. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.